देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक और सुखद क्षण है हम सभी के लिए, और जो लोग भी गरीब गुरबा के लिए, वंचित समाज के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए। और इस सुखद क्षण को उपलब्ध कराने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही अच्छा निर्णय है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इससे के हकदार थे। काफी दिनों से हम सब लोग मिलकर मांग कर रहे थे भारत सरकार से, लेकिन भारत की सरकार ने कभी पहले नहीं ध्यान दिया, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी ने इस काम को किया है। जितना साधुवाद दिया जाए उनको उतना कम है। उनकी जयंती मनाने के लेकर भी सर कल काफी ज्यादा हो रहे हैं। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ जेडीयू है। जेडीयू कह रही है, बीजेपी कह रही है कि हमें ग्राउंड नहीं दिया जा रहा है, मिलन ग्राउंड पे जेडीयू ने कब्जा कर लिया। क्या कहेंगे सर? देखिए, यह तो बहुत ही गलत रवैया है सत्ताधारी दल का। एक तरफ बुकिंग किसी पार्टी के नाम से कर दिया जाता है और दूसरी ओर खुद ही व्यवधान पैदा करने की कोशिश की जाती है। यह गैर लोकतांत्रिक काम है। मुझको लगता है कि कम से कम इतना नीचे स्तर पर आकर सत्ताधारी दल को